Hi there, welcome to another video of the Phaser course. Lecture number 5. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम किस तरह गेम ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऐड करते हैं अपने सीन के अंदर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गेम ऑब्जेक्ट. आपकी जो भी गेम है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर गेम, जो कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपके क्या हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, एनी थिंग दैट कैन बी एडेड टू द गेम सीन कैन बी कंसीडर्ड एज अ गेम ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो आप ऐड कर रहे हैं अपने सीन के अंदर, अपनी गेम स्क्रीन के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो, वो कोई बॉक्स हो, कोई स्टार हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कोई पार्टिकल इफेक्ट्स हो, ठीक है, सो कोई टाइल वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा आपका, उसको हम गेम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी गेम ऑब्जेक्ट. यानी कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो कि आप अपनी गेम के अंदर ऐड कर रहे हैं, अपने सीन के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, गेम ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, सो सीन और गेम ऑब्जेक्ट्स क्या है. सीन क्या है कि ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर गेम. ठीक है, सो यानी स्क्रीन क्या है, एक आपका कंटेनर है जिसके अंदर आपके सारे गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, जिस तरह ये एग्जाम्पल है, इसमें अब हमारे पास क्या है, ये एक पूरा एक सीन है. ठीक है, उसमें अब डिफरेंट हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एक जिस तरह हमारे पास ये बॉक्स है, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं. ठीक है, ये हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, और जिस तरह ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है, एक ये पाइप हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है, ये ट्रीज जो हैं ये गेम ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, इस तरह ये जो प्लेयर है ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और जिस तरह ये हमारे पास ये ब्रिक्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो फ्लैग है, ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है. सो यानी तमाम वो चीज़ें हैं जो हम अपने सीन के अंदर ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो वो चाहे एक्टिव हो, चाहे इनएक्टिव हो, चाहे वो कोई मूवमेंट करें, कोई मूवमेंट वगैरह ना करें, तो वो हमारा क्या कंसीडर होंगे, वो हमारे एक गेम ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कंटेनर है. ठीक है, कंटेनर हम कह रहे हैं, ये हमारी एक स्क्रीन है या हमारा एक सीन है, और उसके अंदर जितने ये सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो है ना गेम ऑब्जेक्ट्स हैं. सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि स्प्राइट. स्प्राइट क्या होता है कि यानी जैसे हमारा कोई प्लेयर है, ठीक है, तो उसको जब हम ऐड करेंगे, उसको हम एज अ स्प्राइट ऐड करेंगे. ठीक है, सो वो क्या है, स्प्राइट या करेक्टर या जो भी चीज़ है हमारे पास, ठीक है, तो वो एक इमेज ही होगी, लेकिन वो इमेज उसके ऊपर हम कोई एनिमेशन भी प्ले कर सकेंगे. ठीक है, दूसरी साइड पर जो इमेज है, इमेज क्या होती है कि इसमें जस्ट हमारे पास ये इमेज होती है. ठीक है, इसके ऊपर हम कोई एनिमेशन प्ले नहीं कर सकते. ठीक है, स्प्राइट क्या है, स्प्राइट एनिमेटेड इमेज जो होगी ना हमारी, तो वो हमारी क्या होगी, स्प्राइट होगी. ठीक है, उसके बाद हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं. ये जो लास्ट वीडियो थी हमारी ग्राफिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह हम ग्राफिक्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं अपने सीन के अंदर, तो वो जो ग्राफिक्स हैं वो भी हमारे बेसिकली यहाँ एक गेम ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उसके बाद कुछ हम कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं. कंटेनर्स क्या होता है कि कुछ जो है गेम ऑब्जेक्ट्स को हम एक एक ब्लॉक के अंदर ऐड कर देते हैं, एक हम उनका ग्रुप बना देते हैं. ठीक है, तो उसको हम कंटेनर कहते हैं. एक होता है ग्रुप, एक होता है कंटेनर. कंटेनर में क्या होता है कि हम उन सब चीज़ों को जब एक ग्रुप में करेंगे ना, कंबाइन कर देंगे, तो फिर जब हम कंटेनर को मूव करेंगे तो हमारी वो सारी चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंगली मूव होंगी. ठीक है, ये हो गया कंटेनर. एक हमारे पास होता है ग्रुप. ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप जस्ट जो है ना एक पेरेंट होता है, लेकिन अगर हम ग्रुप को मूव वगैरह करें तो उससे कोई चाइल्ड मूव नहीं होगा. ठीक है, सो अदर हैंड जो कंटेनर है, जब हम कंटेनर को मूव करेंगे तो क्या होगा, तमाम उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो भी सारे मूव करेंगे. ठीक है, उसके बाद कोई पार्टिकल इफेक्ट्स हो सकता है हमारे पास. ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होगा, गेम ऑब्जेक्ट होगा. जिस तरह कोई स्मोक का इफेक्ट है, कोई फायर का इफेक्ट है, ठीक है, इस तरह कोई डस्ट वगैरह है, तो वो सारे हमारे क्या होंगे, गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि किस तरह ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स से हैं अपने सीन के अंदर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. ये हमारा प्रीवियस कोड है जिसमें हमने कुछ जो है ना वो चीज़ें ड्रॉ की थी. ठीक है, अब जो मैं क्या कहता हूँ, इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारा सीन बिल्कुल क्लियर हो गया. ठीक है, अब मेरे पास ना कुछ इमेजेस हैं, जिस तरह ये प्लेयर की इमेज है. ठीक है, मैंने इनको पब्लिक फोल्डर जो है ना उसके अंदर रखा हुआ है. इस तरह मेरे पास कुछ बैकग्राउंड्स की इमेजेस हैं. ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे कि किस तरह इनको एज अ स्प्राइट या एज अ इमेज जो है हम इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके प्रीलोड फंक्शन में जो हम प्रीलोड फंक्शन किस चीज़ के लिए होता है कि हम कोई चीज़ जो है लोड करने के लिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इसको दिस डॉट लोड डॉट इमेज, ठीक है, और प्लेयर, ठीक है, स्लैश प्लेयर डॉट png। अगर आपने किसी फोल्डर वगैरह के अंदर रखा है तो उस फोल्डर का नाम रख दें। सो पब्लिक के आगे जो है ना, प्लेयर के पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी पड़ी हुई पिक्चर, तो मैंने इसलिए स्लैश प्लेयर डॉट png, ओके, राइट। सो अब हमने क्या किया, इसको एज अ इमेज जो है लोड कर लिया। अब इसको मैं एज अ गेम ऑब्जेक्ट जो है ना ऐड करूँगा, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि लेट प्लेयर इज इक्वल टू दिस डॉट एड डॉट इमेज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्सपोजिशन बतानी है उसकी, ठीक है, लेट्स सपोज 100 100। देन मुझे ये बताना होता है कि ये कौन सी, अब इस जगह पे हमने जो प्लेयर रखा है ना, ये क्या है, ये एक मैंने की रख दी है इस इमेज के लिए। मैंने एक क्या किया है, एक की रख दी। इधर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसको मैं पी कह सकता हूँ, ठीक है, p1 कह सकता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैंने p1 किया है, तो अब इस जगह पर मैं p1 ही लिखूंगा, क्योंकि मेरी की जो है इस इमेज के लिए वो p1 है, तो इस की को मैं इस जगह पे यूज़ करूँगा। अगर आप इस जगह पे आएँ तो इधर आपको क्या मिलेगा, टेक्सचर स्ट्रिंग, ठीक है। सो जो भी टेक्सचर है द की और द इंस्टेंस ऑफ द टेक्सचर दिस गेम ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू रेंडर विद एज द स्टोर्ड इन द टेक्सचर मैनेजर, ठीक है। तो जब हमने इधर लोड किया था तो वो टेक्सचर मैनेजर के अंदर इस की के साथ हमने इसको स्टोर किया था, ठीक है। तो इसमें एक की होती है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पाथ होता है उस इमेज का, ओके, राइट। सो अब हमने क्या किया है, इस इमेज को ऐड कर दिए। सो लेट्स सी, सो अब ये हमारी जो है ना गेम ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा इंटायर क्या है सीन है, और उसके अंदर हमने एक क्या किया है, गेम ऑब्जेक्ट को ऐड किया है। अब हम इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं इस गेम ऑब्जेक्ट का स्केल जो है ना छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये काफ़ी बड़ा मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जिस तरह स्केल इसका डाउन किया है, तो ये अब इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। सो स्केल मैं इसका इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जो है ये एक प्रॉपर साइज में जो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मैं कोई रोटेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, सेट एंगल करके, ठीक है। सो इस जगह पर हमें डिग्रीज बतानी होती है, कितने डिग्री इसको रोटेट करना है, ठीक है। मैं कह देता हूँ 40 डिग्री रोटेट कर दूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 40 डिग्री इसको रोटेट कर देगा। मैं इसको कह देता हूँ कि -40 रोटेट कर दूँ, तो वो -40 उसको रोटेट कर देगा, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्लेयर की पोजिशन को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ सेट एक्स, ठीक है। अभी मैंने इनिशियली क्या किया था, 100 की थी, तो अब मैं इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या हुआ, उसकी पोजीशन अपडेट हो जाएगी और वो 200 पे चले जाएगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं वाई की पोजीशन भी अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है पोजिशन अपडेट, ठीक है। पोजीशन को हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ हम स्केल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी हम अपने अपने गेम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म चेंज करने के लिए या तो हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, या रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, या उसका स्केल चेंज करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक जस्ट जो है ना की टर्म है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, यानी मैं कहने लगता हूँ कि मैं अपने गेम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं उसकी पोजीशन अपडेट करने लगा हूँ, रोटेशन अपडेट करने लगा हूँ, स्केल अपडेट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो गया कि मैंने इसका स्केल जो है मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कि हम किस तरह एक गेम ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे इस गेम ऑब्जेक्ट को अपडेट के फंक्शन में ज़रूरत है मुझे इसकी, तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ एक मेंबर ले लूँगा, ठीक है। अभी तो मैंने इसको एज अ लोकल वेरिएबल लिया है ना इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस जगह पे इसको एक्सेस करूँ, या इस जगह पे एक्सेस करूँ, या किसी और फंक्शन में एक्सेस करूँ, तो मुझे वो एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसको इस जगह पर डिक्लेयर कर दूँ कि दिस डॉट प्लेयर, ठीक है, इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो इस जगह पर मैं फिर इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, दिस डॉट प्लेयर, ठीक है, और दिस डॉट प्लेयर डॉट सेट स्केल, ठीक है। तो इस तरह मैं अपडेट फंक्शन में उसको कुछ कुछ भी कर सकता हूँ इस प्लेयर के ऊपर, ठीक है, यानी कोई भी ऑपरेशन जो है ना वो अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है।
लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ अपडेट प्लेयर पोजीशन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट प्लेयर डॉट सेट एक्स, ठीक है। यहाँ मैं कह सकता हूँ सेट पोजीशन, ठीक है, 200 बाय 200, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं इस जगह पे कॉल कर देता हूँ, दिस डॉट अपडेट प्लेयर पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगी, 100 बाय 100 होगी, और बाद में वो क्या कर देगा, उसको 200 बाय 200 कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अब अगर हम इसको देखना चाहें कि हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, तो दिस डॉट प्लेयर करके ना डॉट करके, तो इस जगह पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी अल्फ़ा प्रॉपर्टीज़ को जो है ना, वो सेट अल्फ़ा कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा ये है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, ठीक है, यानी वो कितना क्लियरली मुझे नज़र आएगा, ठीक है। सो मैं अगर 0.2 कर देता हूँ तो वो मुझे बहुत कम नज़र आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के दरमियान, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। तो हम कुछ भी सेट करते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना वो 1 होती है, यानी फुल क्लियर मुझे नज़र आएगा, ठीक है। सो इसी तरह हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम डेप्थ जो है वो डेप्थ चेंज कर सकते हैं। डेप्थ क्या होती है कि हम एक गेम ऑब्जेक्ट को दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे शो करवा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह ये ना भी हम करके देखते हैं पहले, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट प्लेयर टू इज इक्वल टू दिस डॉट एड डॉट इमेज, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। उस फंक्शन को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा मेथड है, ठीक है। सो इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया है, एक प्लेयर मैंने प्लेयर टू बनाया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 120, लेट्स सपोज 150 और 120, ठीक है। ये मेरा प्लेयर टू जो है वो ऐड हो गया। अब जो है मेरा प्लेयर टू, इसका जो मैंने स्केल भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है। सो प्लेयर टू ओके हो गया। सो अब मैंने इसका स्केल जो है ना अपडेट कर दी। अब अगर हम देखें तो जो प्लेयर टू है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है उसके, ठीक है, ऊपर ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। इसको ना डिफरेंट करने के लिए ना, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है सेट टिंट। टिंट क्या होता है कि आप कौन से कलर का इसके ऊपर जो है ना एक कलर सा करना चाह रहे हैं, ठीक है। टिंट क्या है, इसको हम मजीद इधर देख लेते हैं कि पिक्सल कलर वैल्यूज फ्रॉम द गेम ऑब्जेक्ट देन दी मल्टीप्लाई इट बाई द कलर वैल्यू ऑफ द टिंट, ठीक है। यानी आप जो सा कलर इस जगह पे पास करोगे ना, वो उस कलर को उसके बाय डिफॉल्ट जो पिक्सल होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको रेंडर कर देगा। अभी ये जो कलर है ना, ये कलर है आई थिंक शायद ये रेड कलर है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब रेड कलर मैंने किया था ना, तो इसने क्या किया, उस रेड कलर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसका अब उसके ऊपर थोड़ा सा रेड रेड कलर का शेड नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना उसके ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे मूव करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वाली उसकी जो गन वो शो हो, इसको ये थोड़ा बैक पे शो हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेप्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। मैं कहूँगा प्लेयर टू डॉट सेट डेप्थ, ठीक है। सो इसकी डेप्थ मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं 0 या 1 कर देता हूँ, ठीक है। सो इसकी डेप्थ मुझे क्या करनी पड़ेगी, उससे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कह डॉट प्लेयर डॉट सेट डेप्थ, ठीक है। तो इसकी डेप्थ मैं कर देता हूँ 2। तो अब अगर आप देखें तो क्या है, वो वाला ऑब्जेक्ट जो है ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अब उसकी जो है ना वो गन भी शो हो रही है। अगर मैं उसको थोड़ा सा आगे मूव कर दूँ तो फिर क्लियरली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, अब वो वाला जो है ना ऊपर शो हो रहा है गेम ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर हम डेप्थ वगैरह सेट ना ना करें तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जो सा गेम ऑब्जेक्ट बाद में ऐड हो रहा है ना, ये वाला बाद में ऐड हो रहा है ना, तो इसको वो ऊपर शो कर देगा, ठीक है। जो पहले ऐड होगा उसको वो नीचे शो कर देगा। एक तरीका तो ये हो सकता है ना कि मैंने अगर इसको बैक पे शो कराना है तो मैं इसको पहले ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले ऐड कर दिया, तो अब वो इस तरह जो है ना बैक पे शो होगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो वैलिड है, वो ज़्यादा वैलिड है, तो वो ये है कि हम इसकी क्या करते हैं, डेप्थ सेट कर दें, ठीक है। तो हम डेप्थ जो है वो सेट कर देते हैं, ओके राइट। सो ये हो गया, ठीक है। हम ये हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम ऑपरेशंस अपने गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको अगर मैं ना ज़रा क्लियरली ऊपर लिख भी देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यानी ऑपरेशंस ऑन ईच गेम ऑब्जेक्ट, या आपका जिस टाइप का भी गेम ऑब्जेक्ट होना चाहे, आपका कोई
कोई आपका गेम ऑब्जेक्ट हो, जिस तरह कोई इमेज है, कोई स्प्राइट है, कोई ग्राफिक्स है, कुछ भी हो ना, उसके ऊपर आप ये वाले ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ना, ये वाली सारी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। यानी हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, उसको स्क्यू कर रहे हैं, ओरिजिन कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, सो शायद और भी इसमें प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, अल्फा और डेप्थ वगैरह भी आ जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में वो हर वो चीज़ आ जाएगी जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो रिलेटेड टू एनी थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो क्या हो सकता है, कोई पोजिशन उसकी चेंज हो सकती है, रोटेशन चेंज हो सकती है, स्केल चेंज हो सकता है। स्क्यू हम देखते हैं कि स्क्यू क्या होता है, ओरिजिन चेंज कर सकते हैं, फ्लिप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिप क्या होता है वो भी अभी देख लेते हैं। अल्फा हमने देख लिया, डेप्थ हमने देख लिया। ठीक है, सो इस तरह के ऑपरेशन जो है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि हम उसका कोई टेंट प्रॉपर्टी वगैरह उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने देखी है। ठीक है, कोई मास्क वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, और बाकी हम उसका टेक्सचर वगैरह जो है ना अपडेट कर सकते हैं, कोई फ्रेम वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अभी के लिए हम ये वाली सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, सो अभी हमने क्या देखा है कि डेप्थ वगैरह में हम किस तरह लगाते हैं। अब उसके बाद ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्लेयर डॉट सेट फ्लिप एक्स फ्लिप वाई। ठीक है, सो इसका फ्लिप का क्या, वो क्या करेगा, उसको फ्लिप कर देगा। अब देखा, वो वाला जो मेरा गेम ऑब्जेक्ट था वो अब अपोजिट साइड में हो गया, उसने उसको क्या किया है, एक्स एक्सिस में फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं उसको वाई एक्सिस में फ्लिप कर दूं तो वो क्या कर देगा, टांगे ऊपर कर देगा उसकी। ठीक है, और जो सारा है उसको नीचे कर देगा, तो इस तरह उसने फ्लिप कर दिया। ठीक है, सो ये चीज़ होती है बेसिकली जो हम फ्लिप करते हैं। ठीक है, सो फ्लिप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मेरा गेम ऑब्जेक्ट है तो मैंने उसको इस साइड पर मूव कराना है, राइट साइड पर, तो मैं क्या करूँगा, फ्लिप उसका एक्स जो है वो फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो वो इस साइड पर मूव करना शुरू कर देगा, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को जी। अगर मुझे लेफ्ट साइड में मूव कराना है तो मैं फ्लिप एक्स जो है ना वो ट्रू कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट मूव कर सकूंगा उसको मैं। ठीक है, सो वो इस तरह का फिर नजर आएगा। ओके राइट, ये हो गया हमारे पास फ्लिप। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट प्लेयर डॉट सेट स्क्यू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और कौन कौन सी ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, ओरिजिन जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर हम समझें तो। ठीक है, बाई डिफॉल्ट जो ओरिजिन होता है ना वो होता है 0.5 0.5। ठीक है, अब ओरिजिन क्या होता है, मैं इसको ज़रा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है कि इमेज होती है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, इमेज। ठीक है, उसकी मैं करता हूँ 1.2, ठीक है, 3.4। अब मेरे पास क्या है, इस तरह इमेज है एक स्क्वायर टाइप में। ठीक है, अब मैं अगर उसकी पोजीशन जो है वो अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब उसकी पोजीशन जो है एक्स और वाई पोजीशन। ठीक है, अब एक तो ये हो सकता है कि मैं इस कॉर्नर से इसको रेंडर करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, यानी अबव टॉप से मैं उसको स्टार्ट करना, रेंडर करना स्टार्ट करूँ। यानी मैं कहूँ कि अगर उसकी एक्स पोजीशन है लेट्स सपोज 200 बाय 200। ठीक है, तो मैं उसको जब रेंडर करना स्टार्ट करूँ तो मैं इस कॉर्नर से ऐसे उसको रेंडर कर दूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, उसको ऐसे रेंडर कर दूँ, यानी इधर से एक्स एक्सिस में, ठीक है, और नीचे को वाई एक्सिस में। यानी अब मैं इसको अगर मज़ीद क्लियर करूँ, तो इसको मैं मज़ीद क्लियर करता हूँ। अब मेरे पास एक होता है, यानी उसके कॉर्नर होते हैं ना, हमारे पास चार कॉर्नर होते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है सेंटर। तो अब कॉर्नर्स, अगर मैं टॉप कॉर्नर से उसको रेंडर करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो उसका ओरिजिन क्या होगा, 0.0 होगा। क्या होगा, 0.0 होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, टॉप लेफ्ट से उसको मैं रेंडर करना स्टार्ट करूँगा। अब लेट्स सपोज मैं 0.0 कर देता हूँ, तो वो अब क्या करेगा, इसको उसने अब इस पॉइंट से, असल में हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास है 120, कितना 120 और 100। मैं अगर इसको 0.0 कर दूँ ना, फिर आपको क्लियर नजर आएगा कि अब उसने क्या किया, बिल्कुल इस जगह से उसको स्टार्ट कर दिया, टॉप लेफ्ट से उसको रेंडर करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ इसको, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार टॉप लेफ्ट से करो। ठीक है, लेकिन टॉप लेफ्ट से नहीं, आप करो टॉप राइट से। ठीक है, टॉप राइट से करेगा तो अब वो इस साइड पे रेंडर कर रहा है, लेकिन वो अब वो उस साइड पे चले गया। अब इसको मुझे थोड़ा सा आगे को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ 120।
अब देखना है कि हो क्या रहा है। अब उसने इस कॉर्नर से, टॉप राइट कॉर्नर से उसने इस तरफ को रेंडर करना स्टार्ट किया उसको, ठीक है। सो उसने इसको रेंडर किया है उसे, ठीक हो गया। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको 0.5 कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको 0 कर दूँ, अब वो क्या करेगा, टॉप बॉटम से उसको रेंडर करेगा। अब उसने क्या किया, टॉप बॉटम से रेंडर किया, आधी इस तरफ आ गया आधा उस तरफ से आ गया, क्योंकि अब उसने सेंटर से उसको रेंडर करना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले क्या था, इस साइड से रेंडर कर रहा था, यहाँ लेफ्ट साइड से, ठीक है, यहाँ वो राइट साइड से कर रहा था। अब मैंने क्या किया कि उसको सेंटर से करो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसको करूँ कि इसको यार 0.05 कर दो, बिल्कुल सेंटर से कर दो, ठीक है, तो अब देखना कि बिल्कुल सेंटर से किया। अब वो नीचे से सेंटर और ऊपर से भी सेंटर हो गया, ठीक है, यानी इस साइड से उसने उसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों सेंटर से उसने रेंडर करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब अगर उसको मैं कर दूँ कि यार नहीं, तुम क्या करो इसको बॉटम लेफ्ट से, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है 0.05, ठीक है, सेंटर लेफ्ट से, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, टॉप राइट, बॉटम सेंटर राइट, बॉटम राइट, ठीक है। पहले मैंने क्या किया है कि टॉप लेफ्ट से, ठीक है, टॉप लेफ्ट से मतलब ये कि बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट टॉप से, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ लेफ्ट सेंटर से, ठीक है, तो वो दरमियान से उसको रेंडर करेगा, लेकिन ये सिर्फ सेंटर लेफ्ट, ठीक है, अच्छा सेंटर लेफ्ट से। फिर क्या करेगा वो उसको इस साइड से, ठीक है, इस साइड से, यानी इस साइड से 0 होगा और वर्टिकली उसको क्या कर देगा, सेंटर कर देगा, ठीक है। इस जगह गड़बड़, 0.05 से मुराद ये होगा कि एक्स एक्सिस में बिल्कुल 0 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो लेफ्ट होगा, ओके राइट, ठीक है, वो इसको पहले लिख रहा है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन जो है पहले है, ठीक है, हॉरिजेंटल जो है वो बाद में है, ठीक है। सो अब वो हॉरिजेंटली क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और वर्टिकली क्या होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। सो इसको जो है ना वो कोपायलट ने जो है ना उलट लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट टॉप होगा, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ये क्या होगा, मेरे पास लेफ्ट सेंटर होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट बॉटम होगा, ठीक है, फिर ये मेरे पास क्या होगा, सेंटर टॉप होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, सेंटर बॉटम होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा सेंटर राइट, नहीं, राइट, ठीक है, राइट टॉप होगा, ठीक है, और फिर ये मेरे पास क्या होगा, राइट और सेंटर होगा, ठीक है, और ये राइट बॉटम होगा, ठीक है। सो इसके समय लगी होगी आपको, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि एक जो इमेज है उसके फोर कॉर्नर हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं उसको टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करूँ रेंडर करना, तो वो क्या होगा, 0.0 होगा और वो लेफ्ट टॉप होगा, ठीक है। अगर उसको मैं इस जगह सेंटर से कर दूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट सेंटर हो जाएगा, बल्कि ये कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.5 और 0 हो जाएगा, हाँ ये सेंटर टॉप हो जाएगा, ठीक है, सेंटर टॉप से मैं स्टार्ट कर दूँ। अगर मैं उसको इस साइड से कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, राइट सेंटर हो जाएगा, ठीक है, राइट राइट टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यानी ये मेरे पास जो कॉर्नर्स हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली ये पोजिशन सारी असाइन होंगी, ठीक है। सो इसको अगर मैं
ठीक है, ये है हमारे पास इमेज है, लेट्स सपोज। ठीक है, सो अब इसका ये वाला कॉर्नर क्या होगा, 0.00, ठीक है। ये क्या होगा, अगर सेंटर से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 0, ठीक है। अगर ये वाला होगा ये क्या हो जाएगा 1.0, ठीक है। अगर ये वाला होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.5, 0, ठीक है। अगर ये सेंटर होगा तो 0.5, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.05, ठीक है। तो अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.51, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है। सो ये इस तरह हमारे पास, यानी किस डायरेक्शन से आप उसको रेंडर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ये वो वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। सो इसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो वो उसको उस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो अभी हमने ओरिजिन क्या सेट किया है, 0 सेट किया है, ठीक है। 0 मीन के वो इस जगह पे, और 1 मीन के हमने उसको क्या किया, डाउन किया हुआ है। तो अब वो इस जगह से उसने उसको रेंडर करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जब इस जगह से उसको रेंडर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या हुआ था कि उसको, इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं उसको बॉटम से रेंडर करना स्टार्ट किया था और इस जगह पे 0 था, तो वो उसने उसको अबव रेंडर करना स्टार्ट कर दिया, यानी इधर से ऊपर को वो रेंडर कर रहा था, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, और इसी तरह हम उसको सेंटराइज भी कर सकते हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरह उसका ओरिजिन जो है ना, हम सेंटर कर सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट 0.5 होता है, और मोस्टली हम 0.5 ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, बाकी ओरिजिन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है, अगर हमने कोई चीज़ें अलाइनमेंट करनी हो, कोई इस तरह करनी हो, यानी लेट्स सपोज मुझे अब एक टेक्स्ट चाहिए किस जगह पर, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो हमेशा ही इधर से इस तरफ को लिखा जाए, ठीक है। तो वो इस साइड पे ना जाए, तो मैं उसको कभी भी 0.5, 0.5 नहीं करूँगा, मैं उसको करूँगा 0.05, ठीक है। सो वो क्या रहेगा, वो लेफ्ट साइड रहेगा। इसी तरह अगर मैं राइट साइड पे कोई टेक्स्ट चाह रहा हूँ कि वो इस तरफ को ही रहे बस, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा, 1.05 कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरह आप कुछ भी अलाइनमेंट्स वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। स्क्यू की प्रॉपर्टी जो है ना ये होती है कि हम उसको कितना रोटेट, ठीक है। स्क्यू स्क्यू बेसिकली क्या होता है, उसको रोटेट और स्केल, ठीक है। सो इसमें जो है ना इमेज प्लेयर इसके अंदर फेजर के अंदर डायरेक्टली जो है हम स्क्यू की प्रॉपर्टी आई थिंक हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेट प्लेयर डॉट, हम इसको फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम कहीं और सेट करना चाहें उसको, यानी बाहर से ही हम इमेज को इंपोर्ट इस तरह करेंगे उसकी ऑलरेडी स्क्यू प्रॉपर्टी सेट हो, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं इस तरह का होता, ठीक है। ओके, राइट हो गया। अच्छा, अब एक इसमें मज़े की चीज़ ये है कि अगर मैं इसका अब टेक्सचर अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने ये वाली सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। फ्लिप वगैरह और रीजन्स के स्केल रोटेशन ये सारी चीज़ें होगी, टिंट भी हमने देख लिया। टिंट क्या होता है कि बेसिकली कलर होता है जो हम उस इमेज के ऊपर या उस स्प्राइट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो वो उस कलर के साथ उसके बेस कलर को मल्टीप्लाई करके रेंडर कर देता है। उसके बाद मास्क क्या होती है, मास्क जो है वो अभी हम इसको नहीं देख रहे, ठीक है। बाकी क्रॉप क्रॉप देख लेते हैं, इसमें एक क्रॉप होता है सेट क्रॉप, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं सेट क्रॉप। क्रॉप ये क्या, क्रॉप क्या करेगा, उस इमेज को कुछ हिस्सा उसका क्रॉप करके इसको हमें शो करवा देगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह कर देता हूँ, और इसको हम, ठीक है, सबसे पहले मैं देखना है कि हमारी इमेज जो है वो उसकी क्या रेजोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको क्रॉप करना होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 200 बाई कर देता हूँ तो आई थिंक ये शायद बेहतर रहेगा, हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरी इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो मैंने जब उसको किया ना क्रॉप किया सिर्फ 100, तो वो उसने सिर्फ वो टॉप टॉप लेफ्ट साइड वाले से किया, लेकिन वहाँ जो है ना एम्प्टी था, ठीक है। अगर मैं इमेज दिखा दूँ तो उसने इधर से 0.0 से 100 तक किया, तो वो इतना सर्कल, इतना जो स्क्वायर है वो तो ऑलरेडी क्या है, क्या है मेरे पास,
हाँ वो तो एम्प्टी है, तो इसलिए उसने एम्प्टी शो करवा दी। लेकिन जब मैंने 200 किया तो फिर वो थोड़ा बड़ा बना है, तो उससे हमारी कुछ कैप जो है वो प्लेयर की थोड़ी सी नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्रॉप प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी लेट्स सपोज मुझे ये वाली जो है, ये वाला जो पैडिंग है वो ख़त्म करनी है, ठीक है, और इस साइड से थोड़ी पैडिंग ख़त्म करनी है, ये ऊपर वाली पैडिंग जो है वो ख़त्म करनी है, और नीचे वाली पैडिंग जो है वो ख़त्म करनी है, तो मैं सिर्फ इतना इतना हिस्सा क्रॉप कर लूँगा इसको। ठीक है, सो हम करके देखते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सपोज लेफ्ट साइड से 20 होगा मेरे ख्याल से, ऊपर से 100 अबव होगा, ठीक है, इस साइड से 800 कर लेते हैं, और आई थिंक जो है इस साइड से हम 1000 कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो अब हमने देखा है ये थोड़ा सा कुछ बेहतर है। ठीक है, सो इसका हम ना एक और चीज़ डॉट प्लेयर डॉट ब्लेंड मोड डॉट डॉट सेट ब्लेंड मोड, ठीक है, ब्लेंड मोड जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको जो है ना थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये कट हो रहा है। ठीक है, तो ये 80 आई थिंक 40 ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, 40 ठीक है। अब इसको हम कम करके देख लेते हैं, इसको 800 कर देते हैं। ठीक है, 800 भी ज़्यादा है, इसको हम कर लेते हैं 500। ओके हो गया, 500 भी ओके है, 400 ठीक है, 400 पे जो है ना वो कुछ कर रहा है, 460 कर देते हैं। ठीक है, तो 470, ये आपने इमेज की अपनी रेजोल्यूशन देख ली नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्रॉप कर सकते हैं जैसे भी आप उसको चाहें। ठीक है, कोई एडिटर वगैरह यूज़ करके भी आप क्रॉप कर सकते हैं, और डायरेक्टली इस फेजर के अंदर भी आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह आप इसको कर देते हैं 320, ये 320 से थोड़ा सा ज़्यादा 340 कर देते हैं इसको, ठीक है, 340 से भी ज़्यादा 360, 350, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि क्रॉप की प्रॉपर्टी है, क्रॉप क्या कर रहा है कि सिंपल जस्ट जो है ना इमेज जो है हमारी उसको क्रॉप कर रहा है। ठीक हो गया, अब ब्लेंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ब्लेंड हमारे पास ना ये एक इफेक्ट होता है। ठीक है, सो इसको जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं, या तो नॉर्मल होता है, या ऐड होता है, या मल्टीप्लाई होता है, या स्क्रीन होता है, या अरेज होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये इफेक्ट होता है अंडर द कैनवस एंड द वेब जीएल फ्रॉम द ब्राउजर टू ब्राउजर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड आल्सो कॉल्ड द वेब जीएल। ठीक है, ये क्या होता है कि जो आप इमेज वगैरह जो रेंडर कर रहे हैं उसको आप कौन सा इफेक्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो बाई डिफॉल्ट तो नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल से हम देखें अगर तो हमारा कुछ भी जो है ना इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल ब्लेंड मोड जो है ब्लेंड मोड लगाने से हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो और ये बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, ठीक है, ऐड है हमारे पास जिस तरह, अब ऐड क्या करेगा, ऐड ये करेगा कि उस इमेज को बैकग्राउंड इमेज के साथ कंट्रास्ट कर देगा। ठीक है, और उसके अंदर कुछ ब्राइटनेस जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास जो और होते हैं लाइक फिर हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, सो जब बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा डार्क बैकग्राउंड हमारा डार्क है। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया उसको, तो डार्कनेस उसमें ऐड कर दी है। फिर इस तरह हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रीन का होता है, क्या तो स्क्रीन में भी वो जो है ना वो कुछ ब्राइटनेस उसके अंदर भी ऐड कर देगा। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, डिफरेंट हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये हमें कोई फ़ायदेमंद नहीं लग रहा। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। ठीक है, अब उसके बाद हमने ओरिजिन देख लिया, क्रॉप देख लिया, उसके बाद हमने ब्लेंड मोड थोड़ा बहुत देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेक्सचर हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड अपडेट करता लोड करता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में मैं लोड कर लेता हूँ, ये वाली चीज़ लोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लोड करता हूँ पहले इधर आता डॉट लोड डॉट इमेज। ठीक है, अब मेरे पास मैं इसको कह देता हूँ BG07। ठीक है, और स्लैश बैकग्राउंड
स्लैश पी जी डॉट ओके राइट। अब मैंने क्या किया है कि पहले मैंने इमेज जो है ना वो ऐड कर दी है, ठीक है, ये वाली प्लेयर वाली इमेज। अब मैं ये चाहता हूँ यार इसका जो है ना टेक्सचर जो है ना अपडेट हो जाए, यानी इसकी जो शेप है लुक है वो थोड़ी देर के बाद जो है ना अपडेट हो जाए। अब हमारे पास ना दो टाइप के जो है ना इंटरवल्स होते हैं, जो हमने ना आई थिंक पहले पहले लेक्चर में पहले या दूसरे लेक्चर में हमने इसके बारे में देखा था। दो टाइप के होते हैं कि मेरे पास सेट टाइम आउट होता है, एक सेट इंटरवल होता है, ठीक है। सेट टाइम आउट आउट और दूसरा सेट इंटरवल, ठीक है। तो ये जो है ना मेरे दो तरह के इंटरवल होते हैं, हम इन इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के सेम इंटरवल्स जो है ना ये हमें प्रोवाइडेड होते हैं फेजर के थ्रू, उस वो हम कितना ऐड कर सकते हैं, दिस डॉट ऐड डॉट टाइम, दिस डॉट टाइम, टाइम डॉट ऐड इवेंट, ठीक है। अब इस इवेंट को हम किस तरह अब यूज़ करेंगे, अब इवेंट को हमने लिखा ये, सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने लिख दी 2000, यानी इसका मतलब ये है कि 2 सेकेंड के बाद जो है ना इसको कर दो, कॉल कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके अंदर लूप लूप ट्रू। अब लूप ट्रू का मतलब क्या है कि अगर तो ट्रू होगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, सेट इंटरवल बन जाएगा। अगर मैं लूप को रख दूंगा फॉल्स, फिर क्या ये बन जाएगा, फिर ये सेट टाइम आउट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कॉल बैक, जिस तरह उसमें हो क्या होता है, उसमें हम सेट टाइम आउट करते हैं जब, तो हम इस जगह पे ये कॉल बैक होता है हमारा, ठीक है, ये हम कॉल बैक पास कर रहे होते हैं। अब इसका कॉल बैक हमने इस जगह पे पास कर देना, ठीक है। अब हमने कॉल बैक पास कर दिया। अब उसके बाद एक होता है कॉल बैक स्कोप, ठीक है। स्कोप का मतलब ये है कि इस फंक्शन का स्कोप क्या होगा, ठीक है। इस फंक्शन का स्कोप ये गेम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, दिस लिखा, ठीक हो गया। अब मैं इस जगह पर लिखूंगा दिस डॉट प्लेयर डॉट सेट टेक्सचर, ठीक है। अगर मैं दिस ये स्कोप नहीं ना डिफाइन करूंगा तो फिर इश्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं जरा, आई थिंक ड्यूरेशन नहीं होता हमारे पास, इसमें होता है डिले होता है, ठीक है। तो मैंने उसको मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है। अब 2 सेकंड के बाद वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा और उसका टेक्सचर जो है वो अपडेट कर दिया उसने, ठीक है। सो दिस इज दी अबाउट द टेक्सचर, ठीक है। तो हम किस तरह टेक्सचर जो है ना उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब ये वही चीज़ है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, जस्ट हम एक डिफरेंट तरीके से उसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। बैक लॉजिक जो है वो सेम है बिल्कुल, ठीक है। सो अब अगर मैं सेट टाइम आउट ऐड मैंने करना है तो मैं क्या करूँगा, लूप को फॉल्स करूँगा। बाई डिफॉल्ट लूप फॉल्स ही होती है, मुझे मैंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैंने क्या करना है, इंटरवल ऐड करना है, तो मैं लूप को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, राइट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह इसको मैं अगर क्लियर वगैरह भी करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट मैं इसको कह देता हूँ टाइमर, ठीक है, इज इक्वल, जिस तरह हम उसमें देखते हैं कि टाइम आउट को और इंटरवल को हम क्लियर कर लेते हैं, इसी तरह हम जो लिखते हैं टाइम डॉट डॉट डिस्ट्रॉय हम कर देंगे इसको, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे ना, वो क्या करेगा, इसको कॉल नहीं करेगा बाद में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 सेकंड गुजर गए हैं लेकिन उसने इसको कॉल नहीं किया, तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है जिस तरह वो टाइम आउट और इंटरवल है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिक्लेरेशन डिफरेंट है, बाकी वर्किंग जो है वो दोनों की सेम है, ठीक है, ओके हो गया। सो अब हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखते हैं बाकी गेम ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना स्प्राइट ऐड करनी है। अभी हमने देखा है कि हमने किस तरह क्या ऐड किया है, अभी हमने ऐड किया था इमेज। अब इमेज के बजाय हम लिखेंगे दिस डॉट ऐड स्प्राइट, ठीक है। अब जब हम स्प्राइट लिखेंगे हम इस तरफ आएंगे तो वर्किंग दोनों की सेम है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब एक ही डिफरेंस है कि इसमें अगर हम लिखें ना दिस डॉट प्लेयर डॉट प्ले, ठीक है, प्ले, तो इस जगह पे हमें प्ले का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये प्ले क्या है, ये बेसिकली एनिमेशन है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एनिमेशन प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इमेज कर दूँ, इमेज कर दूँ, तो अब मैं अगर इसके ऊपर जाऊँ ना डॉट प्ले, तो प्ले नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास एक डिफरेंस है स्प्राइट और इमेज के अंदर, बाकी बिल्कुल दोनों वर्किंग जो है सेम करते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन हम किस तरह बनाते हैं, जो किस तरह प्ले करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। अभी इस वीडियो के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है, ओके राइट। अब उसके बाद अगर मुझे कोई गेम ऑब्जेक्ट ऐड करना है एज अ ग्राफिक, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ दिस डॉट ऐड रिक्टेंगल कर सकता हूँ, ठीक है, ऐड डॉट रिक्टेंगल, ठीक है। सो ये हमने देखा था, ठीक है। इसमें मुझे वेट्स बतानी है, फिर लास्ट पे कलर्स वगैरह बताने हैं, ठीक है। सो
तो इस तरह हम इसको एज अ गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो कि हमने ऐड कर दिए। ओके राइट, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, साइज जो है कम वगैरह कर सकते हैं जिस तरह हमें साइज चाहिए। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं, रिक्टेंगल कर सकते हैं, जैसे भी हमें चाहिए उसका। ठीक हो गया, ये हमने एज अ गेम ऑब्जेक्ट ऐड किया उसको ग्राफिक्स को। ठीक है, सेम लाइक दैट हम दिस डॉट ऐड डॉट ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्राफिक्स ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे प्लेयर डॉट फिल स्टाइल वगैरह सेट करके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियोज में देखा था सेम चीज़ें, दिस डॉट प्लेयर डॉट फिल रिक्टेंगल फिल शेप वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो ये हो गया अबाउट दी ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक्स भी एज अ गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब इस जगह पर अगर हम देखें ना, ऐड करने के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, दिस डॉट ऐड डॉट पार्टिकल्स जो है ना, वो हम एक अलग वीडियो है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने देखा है स्प्राइट, इमेज, ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर कंटेनर ऐड करना है, कंटेनर जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में हमें देखना चाहिए। ठीक है, मैंने कंटेनर ऐड कर दिया। अब कंटेनर की विजुअली कोई लुक नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूँ कंटेनर की विजुअली कोई लुक नहीं है, लेकिन अगर मैं कंटेनर को क्या करना चाहता हूँ, कुछ दो तीन चीज़ें को ग्रुप करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कंटेनर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने प्लेयर बनाया, अब मैं इस कंटेनर के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ बी जी इज इक्वल टू ये चीज़। ठीक है, एंड लेट फॉरग्राउंड। ठीक है, फॉरग्राउंड के लिए मैं प्लेयर ऐड कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों चीज़ों को क्या कर, दिस डॉट प्लेयर डॉट ऐड। अब मैंने दोनों जो चीज़ें हैं ना, दोनों कंटेनर के अंदर ऐड कर दी। अब आप देख सकते हो कि इसको मैं जो है पहले स्केल थोड़ा सेट कर दूँ, डॉट सेट स्केल। ठीक है, 0.25। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बीजी ऐड किया है और एक उसके आगे क्या ऐड किया है, सेट स्केल 0.5। ठीक है, अब अगर हम देखें क्या किया, मैंने दो चीज़ें ऐड कर दी हैं और दोनों की पोजीशन, अब अगर इधर देखें ना, मैं दोनों की पोजीशन मैंने क्या रखी है, 0.0 0.0, लेकिन ये तो कुछ आगे ही शो हो रही है, इस जगह पे क्यों नहीं शो हो रही, क्यों? क्योंकि जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर कहाँ पड़ा हुआ है, 200x200 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, 200 इट मीन्स के वो इधर पड़ा है। अब मैंने 0x0 रखा है इन दोनों को, तो वो यहाँ से उन दोनों को उसने रेंडर कर दी है। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे करना चाहता हूँ, मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, ओ नीचे कर तो 100 कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये इस तरह हो गया। ठीक हो गया, सो ये चीज़ है हमारे पास, इसको तो मैं 90 कर देता हूँ। राइट, सो ये चीज़ हो गया। इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 20 हो गया, तो ये इस तरह हो गया। अब अगर मैं इन दोनों, अगर मैं दोनों को इकट्ठा मूव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, दिस डॉट प्लेयर डॉट सेट पोजिशन। ठीक है, सेट पोजीशन। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 400x400। तो क्या करेगा वो, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों उस कंटेनर के अंदर, उन दोनों को इकट्ठा ही मूव करेगा जहाँ भी करेगा। ठीक है ना, सो ये बेसिकली मेरे पास क्या होता है, कंटेनर होता है, यानी जब मैं दो या दो से ज़्यादा गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उनको कंटेनर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, इधर मैं कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ इनके साथ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ऐड कर देता हूँ, लेट टी एक्स टेक्स इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड डॉट टेक्स। ठीक है, मैं कर देता हूँ 0.0। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट, ठीक हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ दिस डॉट प्लेयर डॉट ऐड, ठीक है, टेक्स। राइट, सो अब अगर देख सकें क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, इसको मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, इसको मैं डॉट सेट ओरिजिन करके, ठीक है, 0.5, 0.5, ठीक है, टॉप पे रख देता हूँ इसको। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कह देता हूँ -50। इसको मैं करता हूँ 20, और पैडिंग जो है हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, ये चीज़ होगी मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना, ये अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना इकट्ठी मूव करेंगी, कहीं भी जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इसको कंटेनर बना दी ना, मैं इसको 700 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 500 लेट्स सपोज। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना इकट्ठी मूव कर रही हैं। ठीक है, सो ये चीज़ होती है मेरे पास, क्या होती है, कंटेनर होता है। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, इमेज वगैरह, स्प्राइट, कंटेनर, फिर गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट वगैरह ऐड करना, टेक्स्ट को फिर कंटेनर के अंदर ऐड करना। ठीक है, सो ये चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, सो ये कंटेनर के अगर हम चाइल्ड्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, प्लेयर डॉट चाइल्ड, प्लेयर डॉट गेट इंक प्लेयर डॉट प्लेयर इसके ऊपर हम कुछ स्केल वगैरह की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, उसको स्केल उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा। ठीक है, वो फिर क्या करेगा, पूरे कंटेनर को स्केल कर देगा, उसके अंदर जो नीचे चाइल्ड्स हैं उन सबको स्केल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इस पूरे कंटेनर के ऊपर कोई डेप्थ वगैरह, अल्फा वगैरह, ठीक है, टेंट वगैरह भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई थिंक यही चीज़ें मैं जो देख रहा था वो चाइल्ड्स थे, चाइल्ड मुझे मिल नहीं रहे इसमें। मेरे पास होता तो है चाइल्ड, आई थिंक लिस्ट, आई थिंक शायद लिस्ट होता है मेरे पास, होल्डिंग द अरे ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंटेनर, यस। ठीक है, सो इसमें अगर मुझे कोई भी चाइल्ड गेट करना है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब मुझे इस जगह पे तो मैंने सारे ऐड कर दिए ना, अगर मैं इस जगह पे ऐड करना किसी एक प्लेयर या किसी एक चिल्ड्रन को गेट करना, लिस्ट बाउट करूंगा। ठीक है, 1 या 2, अब ये जो है ना इंडेक्स इसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हमने ऐड किया है। अब ये क्या होगा, 0 इंडेक्स, ये क्या होगा, 1 इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ 2 डॉट सेट टेक्स। ठीक है, सेट टेक्स। ठीक है, तो मैं तजम्बल से क्या कर देता हूँ, लेट्स सपोज असद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को दिस डॉट अपडेट प्लेयर पोजिशन, ठीक है, इसको मैं कॉल करता हूँ। देखा क्या हुआ है कि अब उसने उस इंडेक्स के ऊपर जाके उस चाइल्ड का टेक्स्ट जो है वो अपडेट कर दिए। ठीक है, सो ये चीज़ें होती है हमारे पास, कंटेनर जो है ना वो यूज़ कर, इस तरह वो कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई हमारे पास। ठीक है, और आई थिंक इस लेक्चर के लिए हमारे पास यही चीज़ें काफ़ी हैं जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ट्राई करें, सो आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, जिस तरह हम डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, कंटेनर्स वगैरह हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।